गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप ज्योति। और एज यूजल मैं तो रेडी हो गई हूँ, बट ये तो अभी नहाने गए हुए हैं। लेट कर देते हैं हमेशा, रात को बोलेंगे 6:30 बजे निकलेंगे, 7 बजे निकलेंगे, और अभी बजने वाले हैं 8, और अब तक ही निकले नहीं है बाथरूम में से। और मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा, बहुत ज़बरदस्त वाला। पैकिंग मेरी हो चुकी है, तो निकलते हैं मामा के यहाँ के लिए, और फिर उसके बाद बात करते हैं, बाय। तो अब हम निकल चुके हैं फाइनली। पहले हम लोग जा रहे हैं गाजियाबाद, हिमांशी को और जीजा को पिक करेंगे वहां से, फिर जाएंगे हम लोग गजरोला। इतनी मशक्कत करने के बाद फाइनली हम निकल गए, है ना? यस यस, हम ऑलवेज पंचुअल रहे हैं और हम हमेशा पंचुअल, हम अपना ये जो समय से निकलना, लपेटो लपेटो लपेटो, क्या बोल रहे हैं, ये बरकरार रहेगा हमारा। जबकि हम 7:30-8 बजे निकलने वाले थे, और उनका ये देखो ऐसा टाइम होता है इनके। मेरे बाल बेबी हेयर्स कैसे हो गए, ये हवा में उड़ रहे हैं। चलो जी, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में एंड तक। टाटा। तो भाई पहुंच गए हम लोग यहाँ पे इन लोगों के पास, ठीक है। ये देखो इन्होंने कैसे ले रखा है बच्चा, ना बच्चा लेना भी नहीं आता गोद में। अंश अंश इधर देखो, कहाँ जा रहे हैं? तो भाई अभी हम आ गए हैं अपने यहाँ पे गाजियाबाद वाले घर। चलो बेटा अंदर चलो। गाड़ी में सामान इतना हो गया कि इन लोगों से एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा है। गाउन यहाँ रख दो, चप्पल यहाँ रख दो, जूते यहाँ रख दो, ऐसी करे जा रहे हैं इतनी देर से। देख लो हमारी डिक्की कैसे फुल हो रखी है भाई, है ना? जिक्की फुल हो रही है ना। तो फाइनली अब हम निकल गए हैं, जाएगा 2 घंटे का रास्ता ना, 10:30 हो रहे हैं तो ग्यारह, और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। मिठाई उठाई लेंगे, और इनका डिस्कशन चल रहा है जबरदस्त वाला, चैचा पैपा चैचा पैपा। मैं भी सोच रही हूँ। और ये मैडम ना ये सिर्फ सोचती है, करती नहीं है, हर एक चीज के लिए सोचती है। और हमारा गाड़ी एकदम लोड फुल हो रखी है, एकदम जबरदस्त तरीके से बैठे कैसे बैठे एडजस्ट करके हम दो जने भी पीछे वाली सीट पे। और अंश बैठा अपने पापा के साथ आ गए। तो भाई अभी हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे बीच में भजन ढाबा पे, कुछ थोड़ा सा खाने पीने के लिए, चाय शाय लेने के लिए। और अंश महाराज सो रहे हैं यहाँ पे, इनको तो निन्नी निन्नी आ गई। तो हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। क्या ये बैठ के रील भेजते हैं ना ये लोग, मतलब तो वॉशरूम बैठ के रील भेज रहे हैं, बताओ हद हो गई। तो चाय और पराठे आलू वालू के। अच्छा यहाँ सौफ चोर सौफ चुरा रही है, कहीं भी जाओ होटल में सौफ चुरा लो, दियो थोड़ी सी, तू भी चोर बन गई जा, थोड़ी सी दियो मिशन। ये बहुत सारी होगी, तो ये सारी खाई नहीं जाएगी। तो ये ना खाया हमने भजन ढाबा। अरे 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 जोश आ गया, घर तो तैयार होके आना नहीं, यहाँ ही लग रही है, दिखा रही है दोनों। हाँ ये बन जाएंगे मिस इंडिया दोनों। तो भाई हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे और तैयार हो चुके हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं। मम्मी भी यहाँ पे कति फुल तैयार हो गई है, तैयार शैयार हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमारी मामी तैयार नहीं हो पा रही है। मामी की तैयारी चल रही है, तैयार हो रही है, मामी की तैयार हो रही है। क्या खा रहा भाई? दाल खा रहा, मुरादाबादी दाल खा रहा। तुम क्या खा रही हो मोहतरमा? दाल खा रहे हो, सब दाल पे टूट रहे हो। मैं यहाँ पे तो दाल के स्वाद ले रहे हैं। ये हमारे घर की नई बहू, बहू रानी, ये भाभी है भाई हमारी, ये भी दाल खा रही है। तो यहाँ पे अब फंक्शन स्टार्ट हो गया है, ये बैठे हुए हैं सब लोग यहाँ पे। अरे भाई दिल में मतलब भाई, अब ये दूल्हा आ गया है, दूल्हे राजा आ चुके हैं यहाँ पे, दूल्हे राजा पटेले पे बैठ चुके हैं। ऐसा मत बोलो भाई, दूल्हे की बेइज्जती मत। अरे पीले कपड़े। धन्यवाद।
बहुत हो गया फैशन वैशन, साड़ी पहन ली बहुत देर तक, तो अब कपड़े चेंज करने की बारी आ गई। और ये मेरे पीछे सारे उपले उपले दिख रहे, बैकग्राउंड कुछ ज्यादा सुथरा सा आ रहा। और ये आ रहे हैं पूरी पलटन पीछे से, ये सब हम चेंज करने जा रहे हैं अभी घर पे। देन उसके बाद हम लोग खाएंगे पियेंगे कुछ, और फिर तो पता ही है क्या होता है, डांस पार्टी। फिर तो डांस पार्टी। कति चिकन पे टोल रखे हैं, ये चिकन चल रहा है, कति दवा कर चाय पीने आ गए हैं वो, यहाँ पे चाय बन गई है जबरदस्त। तो चाय में फोकस भी नहीं हो रहा, बात बस सात और हो गई है। मैंने कह रही तेरे पे भी तो पैसे हैं, तो अपने पैसे ले ले। अब तो जा रहा है, लग रही है घर पे जाकर उन तो ले लियो मामा। ये इनके पता नहीं क्या बात चल रही है, तो ना है ना, ना कोई दिक्कत नहीं ले रहा, मुझे तो कह नहीं रहा कौन है, है ना। अबे अनु यार बाल बाल चाय में गिर जाएंगे, तो तुम मनोज की बुराई क्यों कर रहे हो, यहाँ बैठ के तुम मनोज की बुराई करना है। खड़ा होकर पकड़ जाएंगे रीनू, उसमें साथ दे रही है अनुज की बुराई में। हाँ। स्टार्टिंग से इसने करवाई, हाँ ये बोल रही है तारीफ नहीं कर रही। हाँ ये कह रही है शादी के बाद बदल जाएगा अनुज, और ये ब्लॉग में डालूंगी मैं 100% बाकी होती है ना। भाई साहब इतने इतना लेट तो फिर क्या होगा, क्या कह रहे बैठ खाओ यार इतना खाओ। ये सुबह सुबह आज बारात वाले दिन हमें वहाँ जाना है बारात लेके, और ये लोग पकौड़ी तोड़ रहे हैं इतनी दूर आ। अरे फोकस आ जाओ, ये पकौड़ी खाना है इतनी दूर बचराइयों में सुबह। लोंडा गुस्से आ गया है। क्या हो गया, कैसे हो गई? और ये भैया बना रहे हैं चाय जबरदस्त वाली, और भी पी के क्या हाल चाल तुम्हारे? कपड़ी कैसी लग रही है? भूख लग रही है, भूख लग रही है जबरदस्त। तुम तो बिरयानी लेने गए थे, क्या हो गया यार? वो जाना पड़ेगी थी। ओहो, इस पर बीप मार देंगे हम। भाई ये कुछ जानवर ऐसे हैं, जहाँ जाते हैं वही बिरयानी खाना शुरू कर देते। इनको चिकन बिरयानी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ तो भर रही है। मैं तो खाई नहीं थी, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। चल के आयो, एक ढाई सौ लगाना पानी तो, लेकिन लाल मिर्च ना ये चटनी हल्की सी कोने में रख देना बस। फरमाइश देखो इनकी। भाई बारात वहाँ पे तैयारी पे जोर शोर से, लड़का घोड़ी बैठने में, और ये अतुल, ये और ये तीनों कभी टाइम से तैयार नहीं होते। तो तैयार हूँ, मेरा क्यों नाम ले रहा भाई तू? अच्छा तू तैयार है, तेरे को तैयार मान लेते, लेकिन ये दोनों ज्योति का भी तैयार है, लेकिन ये तैयार नहीं होते। और मैं आपको जब जब शादी में जाती है, मैं आपको हर ब्लॉग में बताता भी हूँ, लेट करती है हर किसी में। चलो तो भाई ये घर का जिम है, साले का जिम। अरे इतने लग रहे हैं सारे साले हैं। है भाई अतुल कुछ कहना चाहेंगे?
फ्री का जिम करके बड़ा मजा आ रहा है। अबे कुछ कहना चाहोगे भाई? ये जिम है, सालों का जिम है, इधर मैडम लगे हुए, इधर बच्चे लगे हुए। Hour later. यहाँ पे मामी चला रही है हमारी छाछ मट्ठा है। अंधेरा आ रहा है भाई, भाई लाइट जलाओ, आप जलाओ ना फ्लैश लाइट से, क्योंकि ना अभी लाइट नहीं आ रही। तो ये भी आना चाहिए ना मामला। घी निकल रहा है इसमें। हाँ घी निकल रहा है, फोकस हो जा।